प्रदेश में NH 74 चौड़ीकरण घोटाले की जांच कर रहे IAS अधिकारी ने सरकार से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। आपको बता दें कि सचिव डी सैंथिल पांडियन ने NH 74 चौड़ीकरण के लिए ली गई भूमि के मुआवजे घोटाले का पर्दाफाश किया था। इस मामले में अभी तक 7 PCS अधिकारी निलंबित चल रहे हैं। इसके अलावा निचले स्तर पर भी कई कर्मचारियों पर गाज गिर चुकी है, जिसके बाद से ही जांच कर रहे अधिकारी को धमकियां दी जा रही हैं। कार्मिक विभाग से आज ही हमें पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके जो प्रकरण आप इंगित कर रहे हैं उसी संबंध में, तो एक निर्धारित प्रक्रिया है। अगर इस तरह का कोई सूचना या कुछ प्रकरण संज्ञान में आता है शासन के किसी व्यक्ति को, या कोई वो सुरक्षा की या उसकी खतरा या उस प्रकार का कुछ होता है इशू, तो उस पर जो निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाती है शासन द्वारा, इसमें विभिन्न स्तरों पर समिति गठित है जो इसका आकलन करती है कि किस व्यक्ति को कितना सुरक्षा की आवश्यकता है, तो वो प्रक्रिया हमने प्रारंभ करवा दिया है। वहीं विपक्ष ने त्रिवेंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब एक IAS अधिकारी सुरक्षा की मांग कर रहा है तो फिर प्रदेश में आम आदमी की क्या हालत होगी। जिन अधिकारी के द्वारा अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग सरकार से की गई है, ये अधिकारी आयुक्त जो है कुमाऊं थे, और कुमाऊं के आयुक्त रहते हुए उन्होंने NH 74 का जो घोटाला है उस घोटाले को खोलने का काम किया। अब देखना ये होगा कि अधिकारी की मांग पर सरकार क्या कदम उठाती है। पंजाब केसरी TV के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।